नमस्ते दोस्तों, मम्मी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम साग से आपको पराठा बनाना बताएंगे। तो उसके लिए हमने 2 कटोरी आटा ले लिया है। पालक को हमने पहले से इसे धो को और इसे अच्छी तरह से साफ करके धो के इसे हमने गला लिया है। और पराठा बनाने के लिए हमने तेल ले लिया है, अजवाइन ले लिया है। अब इसे हम मिक्स करके इसके हम आटा में इसे हम और अजवाइन को मिक्स करके इसे हम गूथेंगे। तो देखिए, इस तरह का पालक का साग को अच्छी तरह से मेन करके इसे आप कढ़ाई में ही इसे गलाकर भून लीजिएगा। उसके बाद आटा में इसे मसल कर अब इसे हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम गूथेंगे। ऐसे हम तवा गर्म होने के लिए हमने रख दिया है। अब इसे हम थोड़ा सूखा आटा में इसे लेकर अब इसे हम बेल लेंगे। तवा गरम हो गया है, अब इसे हम डाल देते हैं। इसी तरह हम पूरे पराठा को निकाल लेते हैं। साग वाला पराठा बनकर तैयार हुआ। अब इसे हम निकाल लेते हैं और दूसरा डाल देते हैं। साग पराठा बनकर तैयार हुआ। बैंगन के सब्जी के साथ आप लोग इसे सर्व कीजिए और इस तरीके को अपनाइए। ये बहुत अच्छा पराठा साग वाला बनता है, हेल्दी, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इसे इस तरीके को आप लोग भी अपनाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।